चा मारी टोपी ते राशन विक्री चालवे की कहा है। 6 महीने 35 दिन बाद का अपॉइंटमेंट है, दू क्या? स्टॉप स्टॉप, वहीं रुक जाओ। बिल्ला लिया? उठला बिल्ला। बिना बिल्ले के तुम अंदर घुस नहीं सकते, इसे बिल्ला देना। बिल्ली चुप करेगा या मेरी चप्पल खाएगा? कितनी बार बताया तुझे, कुत्ते इसे बिल्ला नहीं टोकन कहते हैं। सॉरी जान, मेरा घोड़ा पीछे तुम्हारी घोड़ी आगे। अपना बिल्ला पकड़ के खड़े हो जाओ। इस लाइन, ये लाइन छोटी क्यों है? इनकी बदल चुकी है और इनकी बदलने वाली है। क्या बदलेगी? तकदीर। पीछे से कोई शॉर्टकट का खाचा नहीं है? निरुपमा जी आ गई। सब लोग अपना अपना बिल्ला हाथ में पकड़ कर तैयार हो जाओ। देखो देखो जगजगानी तेरी सखी देवो की रानी निरुपमा ये 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 निरुपमा ये 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 पापा 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 पापा। वेलकम मालकिन, वेलकम। ए चलो चलो पीछे खड़े हो जाओ। निरुपमा जी सुनकर लगा था बिग बी की माँ की दीवार वाली, पर ही पोरगी हॉट कैलेंडर मॉडल लग रही। दीदी इसे हाथ में पकड़ो, आप तो महान हैं। अरे अरे ये क्या कर रहे हो, उठो। मेरा ग्राहक है। 200 बार शादी के लिए रिजेक्ट हुआ। पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी सभी लड़कियों ने मुझे 2-2 बार रिजेक्ट किया, लेकिन जब से आपकी दी हुई ये रिंग को मैंने पहना है, मेरी तो दुनिया ही बदल गई है। जिस गली से गुजरता हूँ एक ही आवाज आती है, मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये सब सिर्फ रिंग का कमाल है। तो नारे लगाना। ग्रेट माता निरुपमा देवी की। ये मेरी तरफ से पकड़। माता आपकी वजह से मैं मुर्गी चोर से डॉन बन गया। पहले मुर्गी किडनैप करता था, अब आदमी किडनैप करता हूँ। मुझे दुबई से, बैंकॉक से भी ऑफर आने लगे। माता आप साक्षात देवी है। माता साक्षात देवी है। मैं कोई देवी नहीं हूँ, मैं तो देवी माँ का अवतार हूँ। निरुपमा जी की, निरुपमा जी की। माता की उम्र लंबी हो। अबे कालिया तेरी फेकोलॉजी एकदम कमाल की थी। भोली जनता को गोली क्यों दे रहा है तू? ये सोने का पानी कहाँ से चढ़वाया? सोने का पानी नहीं है, असली है वो। बहुत इंटरेस्ट ले रहा है तू। तुझा कट कितना है? लगता है ये मुझे जेल भिजवाएगा। आया मालकिन। मालकिन आज लेट हो गई, लेट ही थी क्या? लेट नहीं, अपने परसेंटेज से इरिटेटेड हूँ। क्यों इतना कम है क्या? कम नहीं, बहुत कम है। 50% तो दे रहा हूँ ना। एक काम करते हैं, मेरा 95% कर दो। और मेरा सिर्फ 5%? ज्यादा है क्या? तो वो भी मैं रख लूँ। तुम मेरी हर चीज में 50% पार्टनर हो। मेरे पार्टनर बनने से पहले का हाल तुम्हें याद तो है ना? ले लो ले लो ले लो, रिंग ले लो। 10 रुपए में रिंग ले लो। रुकिए, आपकी उंगली में अपनी रिंग दूं क्या? जाके अपनी बीवी को दे। छी छी, लोगों की सोच कितनी गंदी हो गई है। रिंग डलवा लो, रिंग डलवा लो। अरे मैडम रिंग डलवाओगी? घर में माँ बहन नहीं है कुत्ते? पता नहीं लोग मुझे मार क्यों रहे हैं। शादी वाली के साथ तलाकी फ्री। मैडम मैडम अब आप ले लो, मना मत करना। टैलेंट आपका था लेकिन पब्लिसिटी तो मेरी थी ना। इसे पब्लिसिटी कहते हैं। वो मोटे को देखो, एग्जाम का रेफरेंस देने के बजाय लड़कियों का रेफरेंस देने लगा। और वो दूसरा बेवकूफ, उसे कहा था कि खुद को बड़ा बिजनेसमैन बताना, तो कहता है अंडरवर्ल्ड का डॉन बन गया हूँ। पुलिस को पता चलेगा ना तो हमारा शटर डाउन हो जाएगा। मैं याद मत आऊंगा। अंदर क्यों आ गए? अबे बीच में मत बोल, दो चाय बोल। जी बताइए। यहाँ कैसे बताऊँ? वो अपनी छोटी बहन से बोलने में क्या शर्माना? तूने अभी तक चाय नहीं बोली। बचपन में जब मैं छोटा सा था तो रात को 1 बजने के बाद नींद नहीं आती थी, और अगर नींद आती तो सपने में वो आती। अब तो कंट्रोल नहीं हो रहा है। आप कहे तो बोल दूं मैं? क्या बोल रहा है? 1 मिनट मालकिन, देखो हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है, आप डॉक्टर चिली के पास जाओ। गिलहरी, एक चाय दूध भर भर के। वर्दी आती है मेरे सपने में। बचपन से ही मेरे को पुलिस ऑफिसर बनाई चाहे। इंस्पेक्टर, एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर। हाँ मैं समझ गई, तुम्हारे अंदर एक आग है। तुम्हें मैं दूंगी। कह देना। इस नवरत्न को उंगली में डालने से क्या डाल दी? रिंग डालते ही गोली कहाँ से चल गई? इस उंगली से ट्रिगर कब दबाऊंगा? 24 घंटे में रिजल्ट ना मिले तो पैसे वापस। यहाँ से निकलकर राइट जाकर लेफ्ट जाओ और 1 लाख रुपए भर दो। धन्यवाद निरुपमा जी। अगर आपकी भविष्यवाणी गलत साबित हुई तो? अरे बाप रे, मतलब समझी ना? नहीं, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं इन्हें समझा दूंगा। आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, इसका बहुत ही बकवास। मालकिन लगता है इस बार रिंग गलत उंगली में फंस गई है। मुझे उसकी आंखों में उल्लू दिखा। अबे बालों के खेत, बता वो चुराया हुआ डायमंड कहाँ है? प्लीज। हाँ पूछिए। बता वो डायमंड कहाँ है? अबे साले सर पे तेल डाल के मालिश करवा रहा है। सर की नहीं, तेरी बॉडी की भी मालिश करता हूँ। कोई नवा केस आला कहाँ है? अबे उंगली मास्टर कहीं उंगली करके आया है या फिर 1 नंबर लगी है? ट्रिगर दबाने वाली रिंग पहनी है, उससे क्या होगा? हो सकता है इस बदकिस्मत थाने की किस्मत जाग जाए और मैं डीसीपी बनकर यहाँ आ जाऊँ। सपने में। अब निकल, गेट आउट। अरे मेरे बाप बता दे हीरे कहाँ छुपा रखे हैं, क्यों मेरी और मेरी नौकरी की लेने में क्यों मांग रहे हो? हीरा निकाल रहे हो कि खीरा? तुमसे निकलेगा बक कशी वाट लाओ तो प्रोफाइल इधर तो करना। वेयर इज द डायमंड? नहीं पता। हाँ ये निकला है डायमंड। तुम्हारे मुक्के ने तो कमाल कर दिया। कमाल जानते हो किसका? इस रिंग का। अच्छा? आज से इस थाने का कल्याण मैं करूंगा स्वाहा। क्या ये सब फोन है? सर, दानाजी को किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। जल्दी ट्रेस करो, ट्रेस करो। हेलो, हमारा 100 करोड़ कब आ रहा है? देखो 100 करोड़ बहुत बड़ी रकम है, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए प्लीज। काफी वक्त ले चुके हो तुम, बस अब बहुत हो गया। 7 दिन और। 7 दिन? ए, तुम किसी आम इंसान की बात नहीं कर रहे हो, गांगुली भाई की बात कर रहे हो, गांगुली भाई की। हेलो वेंकट, हम भी तुम्हारी तरह पुलिस वाले हैं। फोन टैपिंग में अपना टाइम वेस्ट मत करो। कुंदन, बलदेव ने जो घिनौना काम किया है उससे पुलिस डिपार्टमेंट शर्मिंदा है। खुद को कानून के हवाले कर दो और गांगुली को लौटा दो। तुम्हारे लिए मैं सीनियर से बात करूं। हमें बातों में उलझाने की कोशिश मत करो। वेंकट और कितना टाइम बचा है तुम्हारे पास? 9 सेकंड्स। 8, 7, 6। वेल ट्राइड। डैम इट! इकड़े आती है कि मैं तिकड़े आऊं? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पकड़ने का शौक है तो उसके लिए नीचे आना पड़ेगा। क्या है? हाँ चड्डी, ऑफिस में निरुपमा देवी और यहाँ सनी लियोनी। बहुत खूब। यहाँ क्यों आए हो? ये हुई ना काम की बात। ये रिंग काम नहीं कर रही है, 12:30 घंटे हो चुके हैं। ऑफिस में आना, रिंग बदल दूंगी। अब जाओ। थांबा, मैं तुम्हारा डब्बा वाला हूँ जो तुम्हारे लिए रोज टिफिन लेकर आऊंगा। इससे इंस्पेक्टर तो क्या हवलदार भी नहीं बना। वजह का है? ए भटियारे, खाना लाया? लाया भाई। इसके अंदर तो दाल चावल पापड़ है, आप इसे नहीं खा पाएंगे। इसके अंदर तो मच्छी भात है, तेरा कीमा बनाऊंगा। मेरी बात तो सुनो, जरूर तुमने बिना नहाए पहनी होगी। एक काम करना, तुम कल नहाकर फिर से इसे पहनना, ठीक है? आप चुप रहो मालकिन। अरे भाई कल ही तो उंगली अंगूठी में डाली है ना, असर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। रात भर वेट करो, ये खाना खा के सो जाना। अरे उसमें मेरा ट्रेन का पास है। सुबह तक वेट करूंगा, फिर डेट करूंगा। मालकिन क्या हुआ? अरे नींबू और अचार तो वो भूल ही गया। जाओ उसे देख रहा, अभी देख के आता हूँ। अब मुझे अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। अभी शादी के लिए मैं बहुत छोटी हूँ माँ। 2.25 साल से शादी के लिए नाटक कर रही हो, अब बहुत हो गया। चलो लेट हो रहे हैं। मेरी बेटी में तो संस्कार कूट कूट के भरा है और मैंने अपने बेटे में ठूस ठूस कर भरा है। आपकी इन्हीं बातों की वजह से मैं आज तक कुंवारा बैठा हूँ। तारीफ करो। क्या बताएं भाई साहब, 32 लड़कियाँ देख चुके हैं लेकिन किसी ने इसे खास नहीं डाली। खामोश, वो मत करो, लड़की आ गई। शक्ल लेकर मुझे देखने आया है। चुप करो, हाथ मत घुमाओ, निकल जाएगी। हाय, आई एम रवि फ्रॉम शानपाड़ा। हेलो। नाइस वॉइस। तो मैं हाँ समझू? मेरे माता पिता को पसंद हो तो मुझे क्या? पता था। मेरी पर्सनालिटी तुम्हें कैसी लगी? एकदम कचरा। झूठ नहीं बोलती। अपने पति से तुम्हें क्या उम्मीद है? साफ सफाई। परफेक्ट जोड़ी है। कोई हॉबी वगैरह? गन फायरिंग। क्या बात है, एकदम सही जोड़ी बनेगी। तो कब शादी करें अंकल? फरवरी में होती तो। पापा, अब फरवरी की क्यों बात कर रहे हैं? जून जुलाई अगर... खामोश अंकल, आज ही अगर कोई मुहूर्त निकल जाता। निरुपमा, निरुपमा ये सब क्या हो रहा है? साला बात तो ऐसे कर रहा है जैसे इसकी बचपन की गर्लफ्रेंड हो। जवाब दो, मेरी गलती क्या है? न जाने कितने रंगीन सपने दिखाए तुमने, अब मुझसे बात भी नहीं करी हो। लव अब तुम्हारी पहनाई इस रिंग का मैं क्या करूं? Engaged? Trust me कहकर मेरी जिंदगी को रस लगा दिया। धोखा? Meet me tomorrow. No meeting anywhere. Now let's meet in the court of law. कोर्ट में क्यों? Married. Settlement? No settlement. मुझे कुछ नहीं सुनना। तुमने मुझे धोखा दिया है बस। भाई तेरी शर्ट मस्त है। Thank you. लेकिन तुझ पर सूट नहीं करती। मौके पे चौका। अरे सुनो, ये रिश्ता भी गया। तो दामाद जी मैं मुहूर्त निकलवा देता हूँ। और वो कौन है जिसने अंगूठी पहनाई है? शादी मैं करूँ और स्वागत वो बनाए। ओहो, वो मेरा कस्टमर है। बिजनेस। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूँ? अरे सुनो, पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाओ। ये कपड़े क्या किसी हलवाई के लगते हैं? सॉरी सर, पर्सनैलिटी से आप हवालदार लगते हो ना। तो आधे घंटे तक ऐसे ही देखती रहो, जब इंस्पेक्टर लगूंगा तो बता देना। सॉरी कहा ना। सॉरी क्या सॉरी, पहले क्यों झक मारी? प्रॉब्लम बताओ। आई गॉट इट। तो रिंग मास्टर तुम्हें बंदरिया की तरह नचा रहा है। सिर्फ नचा नहीं रहा है सर, कुत्ते बिल्ली गाय भैंस बकरी की तरह गोल गोल घुमा रहा है हमें। और एक बात बताओ आपको, कल मालकिन को देखने के लिए लड़के वाले आए थे, तो उनके सामने उसने मालकिन की इज्जत का कचूमर बना दिया। बस करो, तुम्हें नहीं लग रहा कि चाय से ज्यादा कटोरी गर्म हो रही है? क्या करूँ मालकिन, मैं नहीं चाहता कि आपकी वजह से मेरी बदनामी हो। आप मेरी बिजनेस पार्टनर जो ठहरी, उसका नाम क्या है? रवि शास्त्री। उसका नाम तुमने बताया, अब उसकी तारीफ मुझसे सुनो। उसके हाथ में एक नवरत्न की अंगूठी है, वो लुच्चा लफंगा और निकम्मा है। आप तो बहुत बड़े अंतर्यामी हो सर। आप फिक्र करने की जरूरत नहीं, बिना एफआईआर ऑलरेडी इन लॉकअप। लॉकअप में? वाह 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 वाह, आपकी टोन देख के तो ऐसा लग रहा था कि आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। अरे आपको तो एसीपी डीसीपी बनाकर दबंग का टाइटल दे देना चाहिए। मैडम इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं, अभी पता चल जाएगा कौन दबंग है और कौन मलंग। पानी की बोतल कहाँ छुपाई? प्रदीप दास के खेतों से मुर्गी का अंडा किसने चुराया? सर यही है वो। आप अपनी ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे हैं? वैसे वो ड्यूटी मेरी है, वो लाठी भी मेरी ही है, बस बजा हो रहा है। पानी पी के ये तुम्ही। अरे तुम यहाँ अंगूठी पहनाने आई हो? ओए अंगूठी नहीं, हथकड़ी पहनाने आई है। मेंटल हरासमेंट का केस एक्सेप्ट कर लूं क्या? मुझ पर केस? 1 लाखाचा चुना लावून 10 रुपए की रिंग पहनाती हो और मुझे पर केस करती हो?